प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। पीएम ने किया बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम भेजने का आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मुआवजे की घोषणा की। केंद्र की ओर से राज्य को हर संभव सहायता का दिया भरोसा। सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के बाहर अर्धसैनिक बल तैनात। 36 डेरा आश्रमों को किया गया सील। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ फैसला आने के बाद हरियाणा और पंजाब में कानून व्यवस्था तेजी से हो रही है सामान्य। डेरा समर्थकों की ओर से हिंसा के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली में की आपातकालीन बैठक। हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा, हिंसा के मामलों में 524 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। संपत्ति को हुए नुकसान की 100% भरपाई का आश्वासन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस लाइन पर आतंकी हमला। हमले में सेना के 2 और सीआरपीएफ का 1 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने 1 आतंकी को किया ढेर। छिपे हुए आतंकियों को पकड़ने के लिए अभियान जारी। सीबीआई ने सृजन घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज की। बिहार के भागलपुर, बांका, सहरसा जिला सहित कई स्थानों में गैर सरकारी संस्था सृजन ने सरकारी राशि का गबन किया। इस मामले में आज सीबीआई ने भागलपुर स्थित सृजन महिला समिति और सहरसा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक यानी एनपीपीए घुटना प्रत्यारोपण की कीमत अपनी वेबसाइट पर नहीं दर्शाने के लिए 40 अस्पतालों पर कार्रवाई करेगा। इनमें दिल्ली के मेदांता, मेडसिटी और अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल भी शामिल। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने कांगवोन प्रांत के पूर्वी तट से कम दूरी की कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। समुद्र में उत्तर पश्चिमी दिशा में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उप सहायक सेबेस्टियन गोरका ने व्हाइट हाउस से इस्तीफा दिया। अपने इस्तीफे में गोरका ने ट्रंप प्रशासन की वर्तमान स्थिति पर असंतोष जताया। साथ ही ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति की दिशा पर भी पूर्व उप सहायक ने दुख जाहिर किया। अमेरिका में हार्वे तूफान तेज हो गया है। इसके 12 साल में अब तक के सबसे भीषण तूफान में बदलने की संभावना है। राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने अपने परामर्श में कहा है कि हार्वे तूफान तेज होकर श्रेणी 2 के तूफान में बदल गया है। इसके असर से 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। म्यांमार में राखिन प्रांत में पुलिस चौकियों पर हुए आतंकी हमले में 12 सुरक्षा कर्मियों सहित 71 लोग मारे गए हैं। सरकार ने कहा कि हिंसा से बुरी तरह प्रभावित राखिन में मुस्लिम आतंकियों ने मध्यरात्रि के बाद 20 से ज्यादा पुलिस चौकियों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद में हुए आतंकी हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई और 50 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ितों में कई बच्चे शामिल। आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण खेल महोत्सव की शुरुआत। 28 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेंगे मुकाबले। इस महोत्सव में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, रस्साकशी, मटका दौड़ और पगड़ी दौड़ जैसे खेलों का आयोजन होगा। भारत और श्रीलंका के बीच रविवार को पल्लेकल स्टेडियम में 5 मैचों की सीरीज का तीसरा वनडे खेला जाएगा। विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया का लक्ष्य सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाने का होगा। टीम इंडिया ने शुरुआती 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। कृषि संबंधित त्योहार नवाखाई आज पूरे पश्चिम ओडिशा में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर यहां धान की नई पैदावार से बनाए गए पकवान को भोग लगाकर धरती माँ को आभार जताया जाता है और अगले साल की अच्छी फसल की कामना की जाती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के लोगों को नुआखाई जुहार पर शुभकामनाएं दी।